करेंगे स्टार्ट रेडी इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है गाइज, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक पार्ट एमआरआई इंटरव्यू। हमने एक वीडियो पहले इंटरव्यू का अपलोड किया था और आज उसका हम सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। और ये जो इंटरव्यू होगा बिल्कुल जेन्युइन इंटरव्यू है, ओरिजिनल। मतलब मेरा ये मानना है यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल पुटअप किए जाएंगे। और बिल्कुल ये जेन्युइन इंटरव्यू है और लाइव इंटरव्यू चल रहा है। कोई मैं ये इस टाइप के इंटरव्यू नहीं बना रहा हूँ, कोई दिखाने के लिए इंटरव्यू नहीं बना रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल वो चीज़ें हैं जिनसे आपको गुजरना होगा। क्लियर? आप जब भी जॉब के लिए जाएंगे, कहीं भी जाओ आप, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको रेड लॉयस्ट या ओनर आपसे पुटअप कर सकते हैं। क्लियर? तो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि। रवि नाम है। कहाँ पे वर्किंग है आप? जियो हॉस्पिटल। जियो हॉस्पिटल में वर्किंग है। क्लियर। कितने दिन का एक्सपीरियंस है आपको? वन ईयर का एक्सपीरियंस है। तो एमआरआई की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने? जी सर। एमआरआई कर लेते हैं? यस सर। कितने दिन से कर रहे हो एमआरआई? वन ईयर हो गया सर। वन ईयर हो गया। कौन सी मशीन पे किया है सर? जी पे किया है। जी की फुल फॉर्म क्या है? जी मशीन आपने चलाई है ना, तो जी मशीन की फुल फॉर्म क्या है? आप जिस वेंडर पे आप काम कर रहे हैं, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या फुल फॉर्म है जी मशीन की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। क्लियर। कितने टेस्ला थी वो? 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला। मॉडल क्या था? मॉडल नहीं पता। ठीक है। सिग्ना होगी? सिग्ना। 1.5 टेस्ला सिग्ना जियो में। कितने पेशेंट आ जाते हैं वहाँ पे? बीस पच्चीस पेशेंट आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एमआर में हीलियम चेक करते हो? किस लिए चेक करते हैं हीलियम? हीलियम एमआर में हम किस लिए चेक करते हैं? आपने करी है हीलियम चेक? हीलियम चेक नहीं किया। चिलर? चिलर भी चेक नहीं किया पर चेक करते हैं। चेक करते हैं, चिलर भी चेक नहीं किया है। आपका वहाँ पे और भी कोई टेक्नीशियन है? जी सर। अच्छा वो करता है, सीनियर टेक्नीशियन चेक करते हैं। ठीक है। एमआरआई ब्रेन आता है करना? जी सर। किस लिए करते हैं एमआरआई ब्रेन? सर एमआरआई ब्रेन हेडेक हो जाएगा, हेडेक होता है, आरटी होता है या बीपीआई हो जाएगा। सर स्ट्रोक प्रोटोकॉल बताओ। स्ट्रोक प्रोटोकॉल में सर फ्लेयर लेंगे, जी आर ई डिफ्यूजन और सॉरी फ्लेयर एक्सियल, डिफ्यूजन एक्सियल, जी आर ई एक्सियल और T1 एक्सियल, T2 एक्सियल और T1 सजाइटल, T2 कॉर्नर, सॉरी T2 सजाइटल, T2 कॉर्नर। अच्छा ब्रेन में T2 कॉर्नर किस लिए करते हैं? ब्रेन में हम कॉर्नर सीक्वेंस किस लिए करते हैं? नहीं मालूम आपको? ठीक है। आपने देखा होगा एमआरआई में एक टीआर वैल्यू होती है, टीआर देखा है? यस सर। क्या मतलब है इसका? टीआर का मतलब नहीं पता सर। टीआर मतलब यूज करते हैं टीआर हम एमआर में? कौन से सीक्वेंस में हम टीआर यूज करते हैं और ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जिसमें हम टीआर यूज नहीं करते? टीआर तो मोस्टली सम में यूज करते हैं, ये नहीं पता कि किस में नहीं करते हैं। सम में यूज करते हैं टीआर। अच्छा कितना टीआर यूज करते हैं? टी1 का टीआर कितना होता है? टी1 का टीआर सर 400 से 600 तक होता है। क्या होता है अंदर 400 से 600 तक? क्या किलोमीटर, किलोग्राम? टीआर की आपको वैल्यू नहीं पता? आपने रूटीन एमआरआई किए हैं बस? स्पाइन का एमआरआई क्या? स्पाइन? अच्छा ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, स्पाइन में क्या करोगे आप? आपका ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, स्पाइन ट्रॉमा हुआ है, क्या करोगे? प्रोटोकॉल बताओ। ट्रॉमा के सर सॉरी इसके
स्पाइन में ट्रॉमा के सीक्वेंस क्या यूज करोगे? मिस्टर कॉर्नर आएगा। मिस्टर कॉर्नर, मिस्टर सजाइटल, T1 सजाइटल, T2 सजाइटल। ट्रॉमा में T1 सजाइटल और T2 सजाइटल, ट्रिम सजाइटल। ट्रिम सजाइटल। अच्छा, ट्रिम की फुल फॉर्म बताओ। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अभी आप स्टडी करो, क्लियर। अभी वैकेंसी होगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, आपने कहाँ पे काम किया है? अपने डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी मशीन पे किया है? सीमेंस। सीमेंस पे काम किया है आपने। कितने टेस्ला पर काम किया है? 1.5। कितने MRI हो जाते हैं वहाँ पे? सर एवरेज के हिसाब से 20-25, कभी कभार दिन को सर 30 तक हो जाते हैं। अच्छा, MRI आपने ऑन किया है, मशीन ऑन की है खुद से? जी सर, मशीन ऑन की है। कैसे करते हैं ऑन? सर बॉक्स एक लगा होता है सर। बॉक्स एक लगा होता है सर, पे लिखा होता है सर सिस्टम ऑन ऑफ। तो सर अच्छा मुझे रियल बात बताओ, कभी MRI मशीन ऑन किया है? रियल बताओ, मैं रियलिटी पूछ रहा हूँ। ऑन नहीं किया? नहीं सर। फिर यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ तो और वो टेक्नीशियन है नहीं। चलो आपको मशीन मैंने ऑन करके दे दिया, एक आपने देखा होगा कुंच बटन, सुना है कुंच बटन? और एक इमरजेंसी बटन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर कैसे सर, अगर कोई सर इमरजेंसी केस या किसी मशीन में कुछ ये सर कोई अगर बाय चांस मिस्टेक के साथ हमने कोई लोहा या मेटलिक ऑब्जेक्ट अंदर लेके गए सर, तो मशीन उसको सर अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, तो या पेशेंट फंस जाता है सर अंदर, तो उसमें हम सर कंच का यूज़ करते हैं जिसमें ना सर ये डिमैग्नेटाइज हो जाती है मैग्नेट सर। तो ये किस कंडीशन में आप कुंच बटन को प्रेस कर सकते हैं? सर अगर कोई इमरजेंसी केस होगी तब। इमरजेंसी किस टाइप की इमरजेंसी? सर अगर कोई मतलब अगर हमने MRI गलती से MRI ट्रॉली अंदर नहीं भेजी या मतलब जो वार की ट्रॉली, मतलब जैसे गलती से बाय मिस्टेक या ऑक्सीजन सिलेंडर स्ट्रेचर रूम में चले जाता है MRI रूम में, तो आप कुंच बटन दबा दोगे? नहीं सर, अगर अट्रैक्ट किया मैग्नेट ने। मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर MRI से जाकर चिपक गया तो आप उसका कुंच बटन प्रेस कर दो? नहीं सर, पहले कोशिश करेंगे अगर पेशेंट अंदर मशीन में है सर, या पेशेंट नहीं, पेशेंट नहीं है जी सर, मतलब पेशेंट नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे ही लग गया जी सर, या वो जिससे लगा था वो बाहर आ गया, अब स्ट्रेचर मशीन से लग गया, खींच लिया उसने, अब क्या करोगे आप? सर पहले कोशिश करेंगे सर उसको निकालने की, जो मैं सर वहाँ पे जो ये होंगे मतलब जो काम करते हैं उनको बुलाएंगे सर, कोशिश करेंगे सर परमानेंट फोर्स से उसको निकालने की, अगर सर बाय चांस नहीं हुआ तो फिर सर करेंगे, फिर आप कुंच बटन प्रेस कर दोगे जी सर। और इमरजेंसी बटन, इमरजेंसी बटन देखा है MRI में? नहीं। इमरजेंसी बटन नहीं देखा, तो मतलब आपको MRI की प्रिपरेशंस नहीं मालूम। भाई आपके सामने किसी ने MRI में स्ट्रेचर लगा दिया, किसी वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर लगा दिया, आप पहले तो आप उसको खींचोगे, आपसे खींच गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो कुंच बटन प्रेस कर दोगे। अच्छा, इमरजेंसी बटन आपको मालूम नहीं। अच्छा, MRI में हम जो पेशेंट लेके जाते हैं, जो पेशेंट होता है, हम किस टाइप का जो मेटल होता है MRI रूम में लेके जा सकते हैं? सर स्टील, मतलब जो ये फ्रेंडली होता है सर। और तो कैसे पता लगेगा कि ये मेटल MRI में जा सकता है? एक पेशेंट आ गया, उसके पास मेटल है कोई, आप कैसे पता लगाओगे कि ये MRI रूम में जा सकता है या नहीं जा सकता? सर पहले तो सर कंफर्म करेंगे पेशेंट। हाँ, तो कंफर्म करने के लिए क्या देखोगे आप? पेशेंट को कुछ नहीं पता सर, वो स्कैनर होता है सर हमारे पास, एक स्कैनर होता है सर MRI मशीन में सर। अच्छा, तो स्कैनर चलाया आपने? वो सर वहाँ पे तो यूजुअली नहीं चलाते। क्या पता है आपको स्कैनर के बारे में? सर अगर कोई भी मेटलिक ऑब्जेक्ट हो जाता है तो सर वो डिटेक्ट कर लेगा उससे पहले ही। तो जो मेटल डिटेक्टर होगा वो मेटल ही तो बताएगा, वो ये थोड़ी नहीं बताएगा कि ये मतलब सोना या चांदी है या लोहा है। सर गोल्डन और सिल्वर सर वो फ्रेंडली होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर।
मेरा क्वेश्चन ये है, आपने भी मुझसे बोला था कि किसी पेशेंट के पास मेटल है तो मैं मेटल डिटेक्टर चेक कर लूंगा। जी सर। तो मेटल डिटेक्टर का काम क्या होता है? वो तो मेटल को बता रहा है ना कि मेटल है, चांदी भी मेटल है, सोना भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, एसएस भी मेटल है। मेटल डिटेक्टर क्या करेगा? वो तो ये बता देगा ये मेटल है यहाँ पे। फिर अब आगे क्या करोगे आप? पढ़ा है आपने एमआर में? आपने कभी सुना होगा एमआरआई, कंफर्टेबल एंड नॉन कंफर्टेबल? लोगो देखे हैं कभी? लोगो ये सब लगे होते हैं। कैसे लोगो होते हैं सर वो? तो वो एमआरआई, एमआरआई तो मेरे पास और भी हैं टेक्नीशियन करने के लिए, मुझे एक चाहिए सीनियर बंदा जो इन चीज़ों को हैंडल कर सके, जिसको मैं अपनी मशीन हैंड ओवर कर सकूँ। मैं कैसे मशीन हैंड ओवर कर सकता हूँ आपको अपनी, जब आपको यही नहीं पता कि पेशेंट के पास कोई मेटल है और वो मेटल किस कंडीशन में अंदर जा सकता है, वो कंडीशनल क्या है, बताओ सर। वही ना सर, पहले देखेंगे सर जो मेटलिक ऑब्जेक्ट। हाँ, वो देखने का तरीका क्या होता है? लोगो, कोई लोगो है जैसे एमआर कंडीशनल मेटल होते हैं, नॉन कंडीशनल मेटल होती हैं, कंफर्टेबल हैं, उन पर लोगो बना होता है। वो लोगो कभी देखा है? जो एमआर कंफर्टेबल मेटल होते हैं उन पर लोगो बना होता है? नहीं देखा ना? नहीं देखा। एमआरआई की स्कैनिंग आती है आपको करनी? स्कैनिंग सर, वो सर एमआरआई सेफ्टी, एमआरआई सेफ्टी नहीं मालूम आपको? सर पता है सर। नहीं, आप ठीक से तो बता नहीं पा रहे। आपने क्विंच बटन गलत बताया, इमरजेंसी बटन आपको मालूम नहीं। मैंने पूछा कि पेशेंट के पास तीन मेटल हैं, उन तीनों मेटल में से एक मेटल एमआर में जा सकता है, तो वो कौन सा मेटल हम एमआर में लेके जा सकते हैं, वो आपको नहीं मालूम। अब हम स्कैनिंग से रिलेटेड बात करते हैं। एमआर में फिलिप एंगल क्या होता है? हम कौन से स्कैनिंग में फिलिप एंगल देते हैं? अच्छा, एमआरआई ब्रेन किया है? जी। एमआरआई ब्रेन बताओ कैसे करते हैं सर? पहले पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे सर। हाँ, पेशेंट की प्रिपरेशन हो गया, रेडी है, मुझे स्कैनिंग बताओ सर। पहले तो सर ये लोकलाइजर चलाएंगे सर। लोकलाइजर का मतलब क्या होता है? लोकलाइजर में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं सर? वो ना सर शॉर्ट टीएससी और शॉर्ट टीएससी होती है सर, उसकी टी आर ओ टी एस सी सर शॉर्ट होती है सर। सर वो गोल्ड गोल्ड ज़्यादा गोल्ड क्वालिटी की एमएडी होती है सर, उसका टी आर ओ टी। चलो ठीक है, आगे बताओ। तो फिर उसके बाद ना सर हम फ्लैर की करेंगे, ये सर प्लानिंग, ये सर एक्सेल की प्लानिंग करेंगे, सजाइडल और ये इस पर करेंगे सर, कॉर्नर पे करेंगे, सजाइडल पे कॉर्पस कैल्शियम के पार्लर करेंगे सर, और फिर ये स्टार और एंड क्वेश्चन भी देखेंगे सर। सीक्वेंस कौन से यूज करते हैं सर? फ्लेयर T1 T2 डिफ्यूजन। फ्लेयर किस लिए यूज करते हैं ब्रेन में सर? ये फ्लूइड को सप्रेस करने के लिए। फ्लूइड क्यों सप्रेस करने, जरूरत क्या पड़ जाती है हमें फ्लूइड सप्रेशन सर? हमें देखना होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर सर। अच्छा, जॉइंट्स के एमआरआई करने आते हैं? जी सर। टोटल जॉइंट कर लेते हैं? जी सर। एमआरआई फुट भी किया होगा? जी सर। सीक्वेंस बताओ सर। सर कोई भी जॉइंट होता है सर, उसमें हम यूजुअली T1 TD TD FS और सर सिटर यूज करते हैं सर, तीनों ओरिएंटेशन में सब चला सकते हैं, उनको भी अब डिपेंड करता है सर। अच्छा, हम T1 सीक्वेंस क्यों यूज करते हैं एक्सट्रीमिटीज में? T1 में सर यूजुअली तो सर हर एक बॉडी पार्ट के अपने हिसाब से, बट सर उसमें सर हमें बोन ज़्यादा ब्राइट कलर दिखती है सर, बोन पे जो कुछ पैथोलॉजी हुई वो सर ज़्यादा ब्राइट दिखती है सर। सर टेंडन भी आएंगे सर, फ्लूइड भी आएंगे। फैट कैसा दिखता है T1 में? सर T1 में फैट ब्राइट दिखते हैं सर। और T2 में? सर T2 भी ब्राइट दिखते हैं। और स्टर? स्टर में हाइपर ब्राइट दिखते हैं सर। ये सर ये दिखता है सर, डार्क दिखते हैं सर, उसमें फ्लूइड आता है सर हाइपर ब्राइट। अच्छा, T1 में फैट ब्राइट क्यों दिखता है और स्टर में डार्क क्यों? जी सर, T1 में फैट ब्राइट क्यों दिखता है और स्टर में डार्क क्यों दिखता है? नहीं मालूम। सीटी स्कैन करना आता है? जी सर। कौन सी मशीन पे किया सीटी स्कैन? सर सीमेंस। सीमेंस पे किया? कितने स्लाइस पे? सर 16 स्लाइस पे किया जी। एनजीओ भी आते हैं करने? जी सर।
एनजीओ का मतलब क्या होता है सर? ये सबसे जिससे कि ना ब्लड वेसल स्टोन कहते हैं सर, ब्लड वेसल जिसमें हम देखते हैं सर आर्टरीज वगैरह देखते हैं सर। अच्छा, सीटी एनजीओ भी करना आता है। पेल्विस एमआरआई करने आते हैं जी सर? पेल्विस के एमआरआई करने आते हैं जी सर। फीमेल पेल्विस बताओ। फीमेल पेल्विस सर, सर उसमें ना सर ये हम यूट्रस और यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर करते हैं सर। यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर जी सर। मुझे सीक्वेंस बताओ यार, मुझे परपेंडिकुलर से क्या करना है, सीक्वेंस बताओ मुझे सर। पेल्विस में सर सर हेस्ट चलती है सर, T2 तीनों ओरिएंटेशन में चलेगी सर। हेस्ट जी सर, हेस्ट यूज करते हो उसमें पेल्विस में? नहीं सिटर सर। सिटर एक सीक्वेंस में कर दोगे सारा हमारा? नहीं सर, सर ये सर ये सर तीनों ओरिएंटेशन में चलाएंगे सर, सेटल कॉर्नर भी सजाटल और एक्शन में भी चलाएंगे सर, वो चलाएंगे सर, T1 भी चलाएंगे सर, फैट सप्रेशन भी करेंगे उसमें सर। राइट सर, T1 और फैट सप्रेशन और स्टर सर, और सर डिफ्यूजन भी चलाएंगे, ग्रेडिएंट भी चलाएंगे सर। T2 नहीं करोगे सर? T2 भी बोला, T2 भी बोला ही नहीं आपने, किया नहीं है आपका? इसको कितना एक्सपीरियंस बताया था आपने? एक साल, वन ईयर एक्सपीरियंस में। शोल्डर MRI किया है जी सर? किस लिए करते हैं शोल्डर? किसी को अगर वो है रोटेटर कफ टीयर, क्या करोगे आप? पेशेंट की हिस्ट्री है रोटेटर कफ टीयर, क्या करोगे आप सर? सीक्वेंस देंगे सर उसका, ये कौन सा सीक्वेंस चलाओगे रोटेटर कफ के लिए? PDFS एक्सियल सजाइटल एंड कॉर्नर सर, कॉर्नर और सजाइटल एक्सियल चलाएंगे सर। एक्सियल आपने एक भी शोल्डर नहीं किया, इसका मतलब ब्रेन तो आपने बताया था, यूट्रस नहीं बताया आपने। रोटेटर कफ आप एक्सियल में देखोगे, कॉर्नर में देखोगे रोटेटर कफ? पढ़ाया रोटेटर कफ? ब्रैकियल प्लेक्सस MRI करना आता है सर? एक बार किया, एक बार किया था ब्रैकियल प्लेक्सस, पढ़ा तो होगा ब्रैकियल प्लेक्सस बताओ सर। उसमें ना सर हम ये जो ये सर अपर लिम के लिए जो सर ये ब्लड वेसल्स करती है सर, तो वो देखते हैं सर। ब्लड वेसल्स देखने के लिए करते हैं हम ब्रैकियल प्लेक्सस? नर्व सर, नर्व देखने के लिए करते हैं। कौन से सीक्वेंस करोगे आप ब्रैकियल प्लेक्सस में? हीलियम चेक करते हो मशीन में? जी सर, एक बार किया। किस लिए करते हैं हीलियम चेक सर? ये देखने के लिए सर, ये कुछ डिफेक्ट मत है मशीन में सर, चेक कंटिन्यूसली। अगर मशीन में हीलियम नहीं होगा तो क्या हो सकता है सर? स्कैनिंग नहीं होगी। कैसे सर? ये मशीन काम ही नहीं करेगी सर। मतलब हीलियम ही क्यों डालते हैं हमें मार्ग में? ये तो सेफ्टी है, MR की सेफ्टी में आती हैं चीज़ें। हीलियम किस लिए चेक करते हैं, कितनी बार चेक करते हैं, मशीन कैसे ऑन करते हैं, रूम टेम्परेचर नहीं देखोगे जी सर? ठीक है, अभी पढ़ाई करो आप, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे फिर आपको। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? सुनील सर। सुनील, कहाँ पे वर्किंग हो आप? सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ तो बहुत MRI होते होंगे? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत MRI होते हैं। MRI करते हो खुद या देखते हो? कितना एक्सपीरियंस है सर? अभी एक्सपीरियंस और ज़्यादा नहीं सर, 5-6 मंथ का। 5-6 मंथ है? हाँ, फ्रेशर में हो। मशीन देखी है MRI की? हाँ सर। कैसी होती है?
सर गोल है, गोल होती है। यहाँ जॉब किसने बताई थी? सर सीनियर। अच्छा आप बताओ कौन सा MRI आपको करना आता है? सर MRI ब्रेन। MRI ब्रेन करना आता है। कौन कौन से सीक्वेंस यूज करते हैं ब्रेन में? ब्रेन में सर फ्लेयर एक्सियल, T2 एक्सियल, T1 एक्सियल, डिफ्यूजन एक्सियल, GRE, SWI एक्सियल। अच्छा डिफ्यूजन की फुल फॉर्म बताओ। कितना आपने कितने MRI ब्रेन किए हैं अभी तक, सही बताओ। चलो आप तो फ्रेशर स्टूडेंट हो, कितने MRI किए हैं आपने खुद से? 10-15 किए ब्रेन के। तो सीक्वेंस तो याद नहीं है। फ्लेयर की फुल फॉर्म मालूम है? फ्लेयर की फुल फॉर्म आपको मालूम है? कोई नहीं, अभी आप पढ़ाई करो, नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है? और कोई है नेक्स्ट टाइम? क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। कितने दिन का एक्सपीरियंस है? सर 6 मंथ का फ्रेशर। 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हैं आप। तो फ्रेशर को मतलब ज्यादा आना चाहिए, किस लिए ज्यादा आना चाहिए? क्योंकि वो तो अभी सीख के आया, तुरंत पढ़ के आया, उसको तो ज्यादा आना चाहिए। तो सीख लिया आपने, जॉब के लिए रेडी हो आप? जी सर। कर पाओगे हमारा ही? जी सर। नाइट में भी ड्यूटी करनी होगी? कोई बात नहीं सर, MRI कर लोगे आप? जी। कहाँ पे काम किया है आपने? मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सिवान में, वहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल से, उसी में सर काम किया। अपोलो में आपने MRI किया है? जी। अच्छा कौन कौन से MRI करने आते हैं, सही बताना बिल्कुल। जी सर सही बताऊँगा, ब्रेन, स्पाइन, शोल्डर करने आता है सर, और नी, एल्बो। मशीन ऑन करने आती है सर? वहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन थे, वो सब ऑन कर देते, क्योंकि मुझे अभी उतना देते नहीं क्या ऑन करने के लिए। तो कभी आपने पूछने कोशिश नहीं करी? सीनियर नहीं बता रहे तो आपने पूछा था कि मशीन कैसे ऑन होती है MRI की? नहीं सर, नहीं कुछ पाए। एवरेज क्या होता है MRI में? सॉरी सर, नहीं पता है। प्लानिंग पता है बस आपको है? जी सर। ब्रेन का बताना? ब्रेन की सर, ब्रेन की, ब्रेन को ऑब्लिक कॉर्नल कैसे करोगे? ऑब्लिक कॉर्नर, कॉर्नर की प्लानिंग हम सेजाइटल और कॉर्नर की प्लानिंग सेजाइटल और एक्सियल पे करेंगे। तो उसका राइट टू लेफ्ट, राइट टू ऑब्लिक कॉर्नर कौन से स्टडी में करते हैं? फिर क्या मालूम है आपको? आप बताओ, स्पाइन के हमारे ही बताओ। स्पाइन के MRI सर, सजाइटल की प्लानिंग करते हैं सर, एक्सियल। वर्टिब्रा कितनी होती है? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा सर, टोटल वर्टिब्रा सर होती है 33 सर। अच्छा सीक्वेंस बताओ स्पाइन की। स्पाइन की सीक्वेंस सर, T2 सजाइटल, T1 सजाइटल, ट्रम सजाइटल, ट्रम सेजाइटर, ट्रम कॉर्नर। ट्रम की फुल फॉर्म बताओ। चलो सर फुल फॉर्म नहीं पढ़े सर, फुल फॉर्म नहीं पढ़े, प्लानिंग नहीं पढ़े, MRI मशीन ऑन करनी नहीं आती। सैलरी कितनी चाहिए, 40 या 45? नहीं सर, फ्रेशर को तो नहीं देते हैं। नहीं, अब आपको जॉब किस बेस पर दी जाए बताओ आप?
आपको मशीन ऑन करना नहीं आता, सीनियर टेक्नीशियन अगर कोई होंगे तो उनके साथ साथ और लूँगा अपने आप से। आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट कोई बचा है अभी? आ जाओ, क्या नाम है आपका? सर सुमित कुमार। सुमित कुमार, एमआरआई के लिए आए हो आप भी? यस सर। सीखने आए हो या पढ़ने या जॉब के लिए आए हैं? सर जॉब के लिए। जॉब के लिए आए हैं एमआरआई। अच्छा, एमआरआई करना आता है, क्या होता है वैसे एमआरआई? एमआरआई फुल फॉर्म बताओ। सर मैग्नेटिक रिसोनेंस। क्या होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस? ठीक है, कल आना। गाइस, ये जो मैं इंटरव्यू अभी कर रहा था, ये बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू थे, और ये वो स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम एमआरआई सीख गए। क्लियर? तो अभी प्लानिंग कर देने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, आते ही प्लानिंग करनी बस। MRI इंटरव्यू में आप सारे फ्लॉप थे, तो अभी हम फिर नेक्स्ट एक वीडियो और अपलोड करेंगे। अगर इस ये जो आज हमने इंटरव्यू जो शूट किया है, इस इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे। जब आप अच्छे किसी हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ बहुत स्टैंडर्ड टाइप के इंटरव्यू होते हैं MR के लिए, 40-50-60-70-80 हज़ार सैलरी ऐसे ही नहीं मिल जाती, समझ रहे हो आप। आज के इस वीडियो में यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं, तो उन क्वेश्चन के अगर किसी को आंसर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम भी ना लिखे तो अपना क्वेश्चन लिख दे, और उसको वीडियो में ही उसका आंसर मिल जाएगा, या वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आंसर के लिए। क्लियर? तो अभी हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, ऐसे हम 4-5 इंटरव्यू शूट करेंगे ताकि आपको भी ये चीज़ें पता लगेंगी। अब ये आप देखो, आपका लेवल आप खुद ही देख रहे हो। क्लियर? तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MR इंटरव्यू का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, हम काफ़ी वीडियो अपलोड करेंगे, और इसमें जो मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं दिखावे के लिए या वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जर्नल बिल्कुल आप जहाँ भी जाओगे ना, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। ये कोई मैं दिखावे के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एनहांस कर रहा हूँ ये चीज़ें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ कि आप, एक होता है पढ़ना, जब जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कोई रोक नहीं पाएगा आपको, कोई भी, आप पढ़ते ही नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। जब तक स्टूडेंट के माइंड में ओनली प्लानिंग 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 रहेगी, वो MRI नहीं कर सकता। प्लानिंग MR में होता है जीरो। MR एक कोई ऐसा नहीं है, MRI एक मशीन है, MRI कर दो, MRI है एक रिसर्च लेबोरेटरी। MRI यदि अच्छे तरीके से देखा जाए ना, तो MRI एक रिसर्च लेबोरेटरी है, आपको रिसर्च करना होता है पेशेंट के ऊपर, तब आप में वो जज्बा आएगा पढ़ने का, लिखने का, समझने का। जब आप इंटरव्यू में पूछते हैं ना, जैसे आप कहीं जाओगे तो पूछते हैं व्हाट इज MRI, बताओ। अब बहुत से तो ये कुछ उसका फुल फॉर्म बोलेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने डेफिनेशन में किसी भी टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू पार्ट 3 आएगा इसका। ओके?